I've fallen in love with I Love. I love you. Él vole, wow. सर डिंपल मैडम से मिलना है। डिंपल मैडम? हाँ सर, अंदर बैठी है क्या? नहीं, डिक्की में है, जाकर मिल लो। डिक्की में? और नहीं तो क्या, डिंपल सिर्फ मैडम का ही नाम हो सकता है? डिंपल मेरा नाम है। आप हैं? और नहीं तो क्या पिंपल, ये कार्टून जैसे क्यों खड़ा है? नाम और मेरा चेहरा मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ, मैच हो रहा है सर। हाँ, चलो मुद्दे पर आ जाओ। मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ सर। मैंने बिजनेस में अपने बड़े भाई के साथ 8 करोड़ रुपए लगाए हैं। 50-50 कहा था, अब मुनाफा बांटते समय 50 नहीं 20% कर रहा है। भाई से फोन करवा दीजिए, काम बन जाएगा। गिफ्ट के तौर पर 10 लाए हूँ सर। 10? हाँ सर। तुम्हारा सूटकेस तो बड़ा छोटा सा है, कहीं लाख तो नहीं? हाँ है सर। एक दूंगा? हाँ। ना लाखों वाली डील कभी भाई करते हैं क्या? करोड़ से एक भी कम हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ा आया 10 लाख देने, चल निकल। 10 लाख लाया हूँ। जय शिवशंकर। ये क्या है, इस तरह राउंड सर्कल बनाकर सुप्रभात क्यों कर रहे हो तुम लोग? आपको जगाने के लिए, सबको काम बताने के चक्कर में आप खुद ही सो गए। कौन सो गया था? आंख बंद करके लेटने को सोना कहते हैं? बड़े लोग आंख बंद करके लेटते हैं, इसका मतलब वो कुछ गहरे विचार में होते हैं। वो तो ठीक है, पहले काम तो बताओ। क्या काम बताऊं मैं, क्या काम बताऊं? जो भी उनको रास्ते में मिलता है उसको उठाकर घर में लाकर रख देते हैं, जैसे धर्मशाला हो। तुम लोगों को काम बता बताकर, ये देखो बाल उड़ गए मेरे। इसका मतलब पहले आपके बाल घने हुआ करते थे चीफ? कंजक मजाक मत कर, वरना सिर तोड़ दूंगा। नहीं सर, पिछले 20-30 सालों से आपने फिगर मेंटेन करके रखी हुई है, मार्केट में अभी भी आपका नाम है सर। काम की वजह से रे, काम करता हूँ मैं जी। अच्छा, मेरी पर्सनालिटी की वजह से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और आपकी पत्नी के बारे में सोचकर तो उसको दुगनी जलन होती है। मेरी पत्नी के बारे में सोचकर इसे क्यों जलन होती है? जलन क्यों नहीं होगी, देखने में बिल्कुल लड्डू की तरह है। उनकी चाल मोड़ने की तरह है, कमल की तरह खूबसूरत लगती है। उसके बारे में बताते तू इतना क्यों खुदक रहा है बे? सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। यानी मेरी पत्नी के बारे में सब सोचते रहते हैं? मार डालूंगा मेरी पत्नी के बारे में सोचे तो। चलो निको। एक रुपए का कॉइन तेरा है? हाँ। ये तो किसी को नहीं देगा? नहीं। ओके, इतना अपसेट क्यों है? पेमेंट का वादा करके हमारे गैंग से काम लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते। लास्ट मंथ की सैलरी है क्या? नहीं, लास्ट 3 मंथ की सैलरी है। 3 मंथ्स? ओके, मैं अंदर जाता हूँ और दिलवाने की कोशिश करता हूँ। क्या रे, बॉडीगार्ड्स को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? मिस्ड कॉल मारने के लिए भी पैसे नहीं है। हेलो, मैं यहाँ हूँ तो तुम वहाँ क्यों हो? अरे तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो? हाँ, ख्यालों में खोया रहूँ? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? शाबाश, अच्छा जोक मारा यार। इधर आना, नजदीक आ, तुझसे कान में कुछ कहना है। कान के नीचे खजाना है। क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? सेटलमेंट। मैंने तुझे एयरपोर्ट जाने के लिए कहा था, तू यहाँ टाइम पास कर रहा है? एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ मैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, रनवे पर पूरा पानी भर गया है। ये बात तू मुझे अभी बता रहा है? इडियट। बेटी हैदराबाद पहुँच चुकी है, बाय रोड आ रही है। ये लो टैक्सी के डिटेल्स, लो जाओ और उसे यहाँ ले आओ। तूने उसे क्यों मारा? तुमने मुझे मारा? मैंने पूछा क्या? इसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। अब तुझे क्या चाहिए? मुझे नहीं, यहाँ काम करने वाले स्टाफ को। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली उन्हें। अरे जाना। फिर हंसा। जा रे। अरे जा तो रहा हूँ अभी निकल।